रामेश्वर सिंह के नाम पे वारंट है। गेट खोलो। इस घर में कोई सरकारी अफसर मच्छर मारने नहीं आ सकता, तुम रेड मारने आए। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म रेड 2 की रिलीज की हुई ऑफिशियल अनाउंसमेंट। जानिए आखिर कब किया जाएगा इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज। तो यदि आप भी हैं एक्साइटेड इस अपडेट को जानने के लिए तो वीडियो के एंड तक बने रहें। जी हां दोस्तों, अजय देवगन और वाणी कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। बता दें दोस्तों कि जहां पहले ये फिल्म 15 नवंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी और अब रेड 2 की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की गई है। खैर बात करें फिल्म रेड के बारे में, तो दोस्तों 2018 की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, इलियाना डिक्रूज और सौरभ शुक्ला लीड रोल में थे। बता दें दोस्तों कि ये फिल्म एक निडर आयकर अधिकारी की कहानी पर आधारित थी, जिसने लखनऊ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हवेली पर छापा मारा था। और ये फिल्म 16 मार्च 2018 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 154 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। और अब फाइनली फिल्म रेड 2 की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की गई है। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन स्टारर फिल्म रेड 2 की नई रिलीज डेट 21 फरवरी 2025 रखी गई है और इस बार भी इस फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में हैं। लेकिन दोस्तों इस बार फिल्म में एक्ट्रेस और विलन को बदल दिया गया है और इस बार रेड 2 में अजय देवगन के साथ वाणी कपूर लीड रोल में है और विलन के तौर पर रितेश देशमुख को कास्ट किया गया है और इसे अपनी बेहतरीन डायरेक्शन राजकुमार गुप्ता रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको अजय देवगन की फिल्म रेड 2 की ये नई रिलीज डेट और आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।